मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय माता दी बोलो, भारत माता की बोलो, जो जान से मार दे। Three madrasa students have alleged that they were beaten up by a group of men in Delhi for refusing to say Jai Mata Ki and Bharat Mata Ki Jai. One of the victims, Muhammad Dilkash, said that his arm was broken in the attack by a group of men. A jingoistic slap on an imam who simply refused to give in to a fringe group and chant Bharat Mata Ki Jai. On the newsroom tonight, how far will goons disguised as hyper-nationalists? जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है, यह भारत माता कौन है जिसकी वह जय चाहते। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? आखिर एक खट्टा खट्टा जाट जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है। जवाब में कहता, यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी है। उनके अपने गांव के टुकड़े की या जिले और राज्य के तमाम टुकड़ों की या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता जब तक वे प्रयत्न करते और थक न जाते और आखिर में कहते कि भारत वो सब कुछ है जो उन्होंने सोच रखा है और उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, वो सब प्रिय है, लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो।